नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा वाथम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आज ऐलान होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, तो वहीं कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिल सकता है। वहीं बाहुबली को बेस्ट फिल्म और संजय लीला भंसाली को बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है। अब से करीब आधे घंटे बाद इसका ऐलान किया जाएगा। और ज़रा जानकारी के साथ बालकृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, कौन से हैं वो संभावित नाम जिनका ऐलान हो सकता है? मैं आपसे कुछ देर पहले जो तीन लोगों की जूरी थी जिसने फैसला किया है राष्ट्रीय पुरस्कारों का, नेशनल फिल्म अवार्ड्स का, उसने अपनी रिपोर्ट जो है सौंप दी है अरुण जेटली को, INV मिनिस्टर को। और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो बाहुबली को मिला है। बाहुबली जो ओरिजिनली ये फिल्म तमिल में बनी थी, बाद में हिंदी में भी डब हुई थी और काफी चली थी। कहा गया था कि अभी तक की भारत में बनी सबसे बढ़िया एनिमेशन फिल्म है। उसके अलावा संजय लीला भंसाली को बाजीराव मस्तानी के लिए, कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का, और पीकू के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट अवार्ड मिलने की खबर है। कुल 350 से ज्यादा फिल्म की एंट्रीज थी, जिसमें से 85 फिल्मों को चुना गया था सेकेंड राउंड के लिए, और इन 85 फिल्मों में से चुन करके आखिरकार जूरी ने इन अवार्ड का फैसला किया है, जिसका औपचारिक ऐलान अब से थोड़ी देर में होने जा रहा है। 11:30 बजे इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। 11:30 बजे ऐलान होगा बालकृष्ण, लेकिन ये अवार्ड सेरेमनी होगी कब? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए कब जाएंगे? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का भी ऐलान होता है और उसके बाद एक डेट तय की जाती है, जिस डेट पे इन जिन लोगों को ये पुरस्कार मिलता है उनको बुला के ये पुरस्कार दिया जाता है। उसका ऐलान ही पुरस्कारों की जो लिस्ट की घोषणा होती है उसके बाद की जाती है जी। और बालकृष्ण, साथ ही जिन लोगों का संभावित नाम सामने आ रहा है, क्या उन्हें इस बात की जानकारी है? क्या उन्होंने किसी तरह का ट्वीट किया है, अमिताभ बच्चन की तरफ से कोई ट्वीट या फिर कंगना की ओर से? नहीं, दूसरे लोग उनको बधाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये जिम्मेदार लोग हैं, तो जब तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं होता तब तक इनमें से खुद कोई आदमी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करेगा। लेकिन जो फॉलोअर्स हैं, दूसरे लोग हैं, जैसे जैसे ये खबरें आ रही हैं, वो लोग ट्वीट करके बधाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को अवार्ड मिलने की खबर है वो बिल्कुल इंतजार करना चाहेंगे कि इसका औपचारिक ऑफिशियली इस बात का ऐलान हो जाए, उसके बाद शायद उसमें प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। बालकृष्ण, किस फिल्म के दरअसल कंगना को ये अवार्ड और अमिताभ को ये अवार्ड दिया जा रहा है? अमिताभ बच्चन के अवार्ड बीकू फिल्म के लिए दिया जा रहा है। कंगना रनौत को तनु वेड्स मनु के लिए दिया जा रहा है। संजय लीला भंसाली को जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है वो बाजीराव मस्तानी के लिए दिया जा रहा है। और जैसा कि बाहुबली को मैंने बताया कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि तमिल में बनी थी और बाद में हिंदी में भाषा में भी इसका रूपांतर हुआ था जी। और साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन और जो कैटेगरीज थी उसमें कौन लोग नामांकित गए थे, कौन से नॉमिनेशन सामने आए थे जिसके बाद अब ये नाम संभावित नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, इसमें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कई कैटेगरीज होती हैं और ये उसमें से बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो दूसरी भाषाओं की फिल्में होती हैं, बहुत सारी और कैटेगरीज होती हैं, बेस्ट फोटोग्राफी का होता है, साउंड रिकॉर्डिंग का होता है, बहुत सारी श्रेणियां हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिन लोगों को रुचि होती है जिन अवार्ड को जानने के बारे में, वो यही होती है कि बेस्ट एक्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, नेशनल बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, तो ये नाम अभी सामने आए हैं। अब डिटेल्स जो है बाकी श्रेणियों में किन लोगों को पुरस्कार मिला है वो अब से थोड़ी देर में पता चलेगा। हो सकता है कि इन्हीं फिल्मों में जिनको ये अवार्ड मिले हैं उनमें से, जैसे बाहुबली के बारे में एनिमेशन के अवार्ड उम्मीद की जा रही है कि उनको मिलेगा, इनमें से कुछ फिल्मों को हो सकता है और अवार्ड मिले हों। बहुत बहुत शुक्रिया बालकृष्ण तमाम जानकारी के लिए आपका। तो संभावित नाम सामने आ गए हैं राष्ट्र फिल्म पुरस्कार के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अमिताभ बच्चन, उनका नाम सामने आ रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कंगना रनौत का सामने आ रहा है। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स फिल्म के लिए, वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए संभावित नाम सामने आ रहा है बाहुबली का। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है, बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार।